बलरामपुर में पीएम मोदी ने जनरल बिपिन रावत को किया याद, कहा भारत दुख में है लेकिन हर चुनौती का करेंगे सामना। आगरा के शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की अंतिम विदाई, फूलों से सजे वाहन में लाया गया पार्थिव शरीर, नम आंखों से जनसैलाब ने दी श्रद्धांजलि। किसानों के निकलने का सिलसिला जारी, हटाए गए तंबू और पंडाल, वापसी में भावुक हुए किसान। मुजफ्फरनगर में आरएलडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने लगाया आरोप, कहा सत्ता के दबाव में काम कर रहे अधिकारी। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं काविंद्र चौहान और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को अलग अलग परियोजनाओं का तेजी से लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से प्रदेश की जनता को एम्स की सौगात देने के बाद आज बलरामपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करते हुए उसकी शुरुआत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ, वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवारों के साथ है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने, इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जलशक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। इन छोटे किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के हजारों करोड़ रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं।
उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती से जुड़े अन्य विकल्पों की तरफ भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे विकल्प जिसमें बहुत बड़ी जमीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें इसका मार्ग दिखाया जा रहा है। इसी सोच के साथ पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो या फिर मछली पालन, इनके लिए राष्ट्रीय स्तर नई योजनाएं शुरू की गई है। आज भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में अग्रणी है ही, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, आज हम शहद, हनीम, मधु, आज हम शहद निर्यातक के रूप में भी विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से बीते 7 वर्षों में शहद का निर्यात बढ़कर करीब करीब 2 गुना हो गया है और इससे किसानों की 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के मॉडल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने को उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण 7 तारीख को किया है। इससे पहले 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था, 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सरदेव अटल जी की कर्म भूमि पर, मां पाटेश्वरी की भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ।
यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इस सरयू नहर परियोजना बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन जनपदों को जिन क्षेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था, मुझे याद है मैं जब 1.5 महीने पहले बलरामपुर जिले में आया था तो बलरामपुर का एक किसान मेरे पास आया था। किसान के चेहरे की खुशी बताती थी कि कुछ नया मिला है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है, कुछ नया मिला है क्या? उन्होंने कहा साहब नहर पूरी हो गई है। तो मैंने कहा इससे क्या लाभ है? उन्होंने कहा साहब हमारे खेतों को पानी मिलेगा, हम सब्जी की खेती कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे, यहां से पलायन नहीं होगा, यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कार्य करेगा। तब मैंने अनुरोध किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने 2015 में देश के किसानों के लिए जो सपना देखा था उसका एक जीवंत उदाहरण सरयू नहर परियोजना बन रही है और यह सरदेव अटल जी के उस सपने को नदी जोड़ो अभियान का भी सपना साकार करती है। सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम की तरफ से जनमंच सभागार में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज नगर निगम सहारनपुर की तरफ से 32 जोड़ों का विवाह कराया गया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से नगर निगम की तरफ से कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही सुंदर योजना है, उसके तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज 32 जोड़ों का यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है और इसको नगर निगम सहारनपुर को ये लक्ष्य दिया गया था करने के लिए। और बहुत ही देख ही रहे हैं आप पूरा वातावरण कितना अच्छा है और सुंदर, हम लोगों ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी वर वधू को मैं आशीर्वाद देता हूँ और उन सबसे आज हमने स्वच्छता की भी शपथ दिलाई है और सभी से ये शपथ में हम लोगों ने उनको बार बार यही बात दोहराई गई है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें और आने वाली जो संकट है उसके लिए भी तैयार रहें। किसानों के पहले जत्थे को किसानों के नेता राकेश टिकैत ने खुद रवाना किया। बिजनौर का ये पहला ट्रैक्टर रवाना हुआ है, वहीं इस दौरान किसान भावुक भी होते दिखाई दिए। आपको बता दें कि किसानों की मांग पर सरकार की सहमति के बाद एसकेएम ने धरना स्थगित कर दिया, जिसके बाद अब किसानों ने घर वापसी शुरू कर दी है। इस दौरान क्या कुछ कहा किसानों ने, आप भी इसको जरा सुनिए। देखिए 11 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा था कि हम जाना शुरू करेंगे, वो इसलिए कि जो 14 जवान और हमारे CDS विपिन रावत जी शहीद हुए उसकी वजह से हमने ये समय घटाया था। आज 11 तारीख है, आज से ही जत्थे जाने शुरू हो गए हैं। बिजनौर का जत्था जा चुका है, अभी शामली और तराई क्षेत्र के जत्थे अभी जाएंगे दोपहर तक और ऊपर का एक रोड आज खाली कर देंगे। तो ऐसे ही 2-3 दिन में लास्ट जो जत्था है वो 15 तारीख को जाएगा, जो मुजफ्फरनगर का जत्था है, टिकैत साहब का जत्था है, उसके बाद उसी के साथ हम जो लोग हैं सब जाएंगे। थोड़ा गम भी देखा जा रहा था आज आँखों में, कुछ बिछड़ने का गम था। हाँ, जो यहाँ इस आंदोलन में एक गांव बसा, भाईचारा जो बसा, उसका बिछड़ने का गम था। आंदोलन भी 75 अगर बात की जाए आज़ादी के बाद सबसे लंबा आंदोलन भी चला है, तो क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन हमारा सफल रहा, हमारी जो है जीत हुई जो है तिब्बतों में, और जीत को जो है कुछ गम है हमारे 700 किसान शहीद भी हुए और इससे बड़ा जो है एकदम से ऐसी
जवान एक किसान हम बॉर्डर पे थे और वे जो है बिना बॉर्डर के ही जो है वे शहीद हो गए, उसका दुख हुआ। लेकिन फिर भी चूंकि हमारा कल का दिन हम उसमें हमने श्रद्धांजलि के लिए था और आज इसका जश्न जो है पूरे देश में हर गांव में हर गली में हर चौराहे में सब जगह जश्न के रूप में है। तो मैंने उस जश्न के रूप में जो है दो मैं गीत के रूप में कहूँगा। हम जीत चुके हैं जंग अपनी, हम जीत चुके हैं जंग अपनी, भगवान करे कभी ना पड़े सड़कों पे सोना, भगवान करे हमें कभी ना पड़े सड़कों पे सोना। हम छोड़ चले हैं गाजीपुर की महफिल को, याद आए हमारी तो मत रोना। हम जीत चुके हैं जंग अपनी, मांग हमारी पूरी हुई, मांग हमारी पूरी हुई, किसानों की जीत हुई। जो गिले शिकवे थे, जो गिले शिकवे थे वे पूरे हुए, कृषि कानून भी वापस हुए, कृषि कानून भी वापस हुए। आओ मिलने गले, आओ मिलने गले, फिर मिले ना मिले, आओ मिलने गले, फिर मिले ना मिले। आ अब लौट चले, आ अब घर लौट चले। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा के सरद नगर पहुंचा, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आगरा समेत आसपास के जिलों से लोग पहुंचे और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। वहीं इस अवसर पर एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी, आगरा SSP और वरिष्ठ फौज के अधिकारी भी शामिल रहे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में RLD नेता विनोद मलिक के नेतृत्व में RLD के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पूर्व विधायक राजपाल बालियान और अन्य RLD नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने खंड विकास अधिकारी बुढ़ाना पर सत्ता के दबाव में काम करने का बड़ा आरोप लगाया। वहीं स्थानीय विधायक और सांसद भी विकास कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है और कहा है कि यहां के सांसद और विधायक बौखलाए हुए हैं, जिस कारण लगातार बुढ़ाना विकास खंड के विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। आज इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, क्योंकि सारे विकास कार्य जितने भी थे यहां का जो खंड विकास अधिकारी है वो करना नहीं चाहता। वो कहते जिससे उससे बात हुई, एक दो बार वार्ता हुई लोगों की, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे तो उन लोगों ने बात की, वो उसने बताया कि मेरे पास तो दबाव है क्षेत्रीय विधायक का और सांसद का, क्योंकि जब यहाँ की शपथ हुई थी, शपथ समारोह में हुआ था, शासन आदेश था कि उसके बाद प्रस्ताव लिए जाएंगे, यहाँ प्रस्ताव विधिवत लिए गए और वो कार्य योजना में जोड़े गए, उसके बाद टेंडर आमंत्रित किए गए, टेंडर होने के बाद टेंडर भी निश्चित रूप से विधिवत हुए। 3 महीने हो गए यहाँ पर जो है किसी को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया, कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत अपेक्षा थी, यह क्षेत्र की जनता को बहुत अपेक्षा थी, परंतु क्षेत्र की जनता त्रस्त है और क्षेत्र की जनता यहाँ पर नहीं लिया, धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिरोजाबाद में एक महिला ने BJP के टूंडला नगर उपाध्यक्ष सहित 9 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि BJP नेता ने उसे धोखा देकर 28 नवंबर को दूसरी शादी कर ली, जबकि 4.5 साल पहले BJP नेता ने उससे शादी की थी। अब उसका 3.5 साल का एक बेटा है। 1 दिसंबर को जानकारी होने पर जब पीड़िता ने पति और ससुराल पक्ष से बात की तो पीड़िता को ससुराल पक्ष की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पीड़िता ने पति सहित 9 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बदमाश को इनामपुरा की पुलिया से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर एक दर्जन से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं जब पुलिस ने बदमाश से पूछताछ की तो बदमाश ने बताया कि वो अवैध तमंचे बनाने का काम करता है और चुनाव के दौरान तमंचों की मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते वो 5 से 10 हजार में तमंचे बेचने का काम करता है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाश को जेल भेज दिया है। मंडावर पुलिस ने नजाकत नाम के एक अभियुक्त को पकड़ा है। इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे कायम थे। एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। जब तमंचे के स्रोत के बारे में ज्ञात किया गया तो इसने इनामपुरा नहर पुलिया के पास वहां पर गिरफ्तारी होने के बाद फैक्ट्री के स्रोत के बारे में बताया तो फिर 20 बने अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल आगे आने वाले चुनाव में भी दुरुपयोग हो सकता था। 5 से 10 हजार रुपये में ये बेचने का कार्य करता है और इसके साथी भी हैं जिसकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है। दर्शकों, महोबा में सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन के पदाधिकारी जिला चिकित्सालय में स्टाफ पूर्ति और ट्रॉमा सेंटर के शिलान्यास को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन के पदाधिकारी पहले भी कई बार महोबा जिलावासियों के हित के मुद्दों के लिए अनशन कर चुके हैं। हर बार प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई आश्वासन देकर अनशन को रुकवा दिया जाता है। वहीं बीते एक सप्ताह से अनशन पर बैठे होने पर भी प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली। अब देखना यह है कि प्रशासन की तरफ से संगठन की मांगों को पूरा किया जाता है या फिर हर बार की तरह आश्वासन देकर अनशन खत्म करवाया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के